अडानी ग्रुप स्टॉक्स में जो मजबूती देखने को मिली थी, इस पर टेक्निकल नजरिया क्या होगा? क्योंकि ऑफकोर्स आज के ये मूव्स को हम समझ रहे हैं, लेकिन पिछले दो महीनों में हमने कई सारे न्यूज फ्लोज भी तो देखे हैं इस ग्रुप को लेकर। और तीनों ही स्टॉक, तो मैंने तीन स्टॉक स्पेसिफिकली यहाँ पे कवर किया, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज और अंबुजा सीमेंट्स। और तीनों की जो बिहेवियर है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि एक टेस्ट मैच, एक ओडीआई और एक यू नो टी20 मैच। फॉर एग्जाम्पल अदानी पोर्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो स्टॉक ओवरबॉट नेचर पे था जब जनवरी सीरीज में था, उसके बाद में स्टॉक यू नो जैन एंड में जब अदानी स्टॉक्स करेक्ट कर रहे थे तो स्टॉक ने भी करेक्शन किया और वापस से स्टॉक ओवरबॉट नेचर पे आ चुका है। अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो स्टॉक कल तक मेजर ओवरसोल्ड टेरिटरीज में था, तो ये जब मेजर ओवरसोल्ड में हो जाता है तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट होती है। उसके लिए अगर हमने देखा कि लास्ट टू डेज से अदानी एंटरप्राइज में बहुत स्ट्रॉन्ग और विशियस प्राइस रैली जारी है 15% के आसपास की। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो ये एक स्लो एंड स्टडी मूवर हो चुका है, बिकॉज स्टॉक की जो ओपन इंटरेस्ट डेटा थी, जो इंडिकेटर्स थी, वो अभी भी न्यूट्रल टेरिटरी पे ही है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अंबुजा सीमेंट शायद अंडर परफॉर्म कर सकता है या बहुत स्लो और ग्रेजुअल पिकअप आ सकता है यहाँ पे। तो जो ट्रेडर्स है, जो जिनकी अलग अलग स्टाइल है, जो फॉर एग्जाम्पल हाई रिस्क लेना चाहते हैं, आई थिंक अदानी इंटरप्राइज में ट्रेड कर सकते हैं। जो न्यूट्रल या फिर एक थोड़ी सी सबड्यूड रिस्क कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो आई थिंक अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट ये दो स्टॉक पिक कर सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस इसलिए भी है क्योंकि अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स अगर स्टेबिलाइज कर रहे हैं और आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं, वो भी प्योर टेक्निकल, हम मेरिट डीमेरिट में मैटर के में नहीं जाएंगे, सिर्फ स्टॉक्स को अगर आप देखिए स्क्रीन रीडिंग के हिसाब से, अगर ये स्टेबिलाइज कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो बाजार को भी स्टेबिलिटी मिलेगी।